कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी वार्टी नहीं है। आज की पार्टी यही है कि अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा सर्कल्स का है वो है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, और इससे भी आपके जेई में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने बोला वही पढ़ा लेते हैं आज, ऐसे भी हमें वही पढ़ना है। कल आपने क्या पढ़ा था? कल तो थी आपकी क्लास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा था। अरे विषव, चैट सेक्शन ऑफ कर दूं क्या? सारी पार्टी हो जाएगी अभी। कोई पार्टी वार्टी नहीं है, चलो क्लास शुरू करते हैं आज। ठीक है, और अभी चैटिंग मत करना इधर, वहां रिकॉर्डिंग में सब जाता है आप लोगों का, और मैंने आप लोगों का नाम अच्छे बच्चों में दिया है, वहां जाके मुझे गलत प्रूफ कर देना एकदम। अब कौन आया भाई? ठीक है चलो, रेखा, गुड ओके, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो डेट कितना है आज? 14 दिसंबर। सर्कल का आपका ये कितना लेक्चर हो जाएगा? चौथा है ना? फोर्थ चौथा लेक्चर, फोर्थ लेक्चर हो जाएगा। मुझसे पूछा गया क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स और मतलब अच्छे बच्चे जो हैं ओबीडियंट भी हैं और जिनका टेस्ट में कंटिन्यू मार्क्स भी आता है, तो जाके वहां पढ़ लेंगे कि चैटिंग करें क्लास के बीच में, हो जाएगा। फिर मेरे से ही पूछा जाएगा कैसे नाम दिया था। सो क्लास ऑब्जेक्टिव तो आपको मैंने मुंह से ही बोल के बता दिया ना, ऑर्थोगोनल होता क्या है वो देख लेंगे। रेडिकल एक्सिस, अगर टाइम बचा तो रेडिकल एक्सिस में जाएंगे। वैसे ये भी खुद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो ये ऐसा है ना, मतलब मौके पे चौका मारते हैं ना, वैसा वाला टॉपिक है, हमेशा नहीं आता है। लेकिन ये मैंने नोटिस किया कि जब जेई का मूड नहीं होता क्वेश्चन देने का, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन दे देता है। ये चीज मैंने नोटिस किया है, तो पढ़ना तो जरूरी है इसको भी। अब देखो ऑर्थोगोनल सर्कल्स होता क्या है। ऑर्थो सेंटर आपने पढ़ा था, सेंटर से कैसे बनते हैं पॉइंट्स। ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स इज 90 डिग्री, देन द सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ठीक है, दो सर्कल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता हो उसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल। तो चलो पहले दो सर्कल ही बना लेते हैं, फिर उनके बीच में अपने को 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो सर्कल बना लिया, अब 90 डिग्री कैसे बनेगा उनके बीच में? इतने दूर में तो 90 डिग्री बनेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? लाइन नो लाइन। अरे अरे ये तो बवाल ही ले लिया मैंने इसको बना करके, क्या मुसीबत है। अब क्या करें बच्चों, ये सर्कल इतना दूर हो गया, अब तो ये मिट भी नहीं सकता। यस मैम, जैसे आपकी छुट्टी नहीं मिल सकती। अरे भाई चलो एक तीसरा सर्कल ले लेते हैं, छोड़ो। हाँ अब इसको करो यहाँ से डिलीट। चलो ठीक है, क्या मुसीबत था वो भी। चलो ठीक है, अभी दो सर्कल सही बने हमारे। डायग्राम सही ना बनो ना, तो फिर मेरे को तो समझ ही ना आता कि कहाँ से पढ़ाएं और कहाँ से क्या शुरू करें। अब देखो 90 डिग्री बनाना है, उसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ से एक लाइन क्रॉस करवानी है, एंड उसके बाद यहाँ से ठीक ओरिजिन से इसके लाइंस क्रॉस करवानी है। अच्छा, इन दो लाइन को हम टैंजेंट्स बोल सकते हैं क्या? ये जो दो लाइन मैंने अभी बनाया है, बोलोगे टैंजेंट अगर आपको पूछा जाए तो? आप तो बोलोगे, बोल सकते हो कि नो मैम, ये C1, ये सेंटर C2, इनको मैंने डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देना है। अब 90 डिग्री कहाँ बनेगा? 90 डिग्री इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो कहाँ बनेगा 90 डिग्री? C1 और C2 के बीच में। बीच में बनेगा। बीच में बनाने के लिए सर्कल्स भी तो बीच में ऐसे होना चाहिए था ना। इसका आधा सर्कल इसके पास होना चाहिए था, एंड इसका आधा सर्कल कहाँ होना चाहिए था? इसके पास होना चाहिए था, तब जाके इस वाले रीजन में आपका 90 डिग्री बनता, यानी कि परपेंडिकुलर बनता। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री में बनाती, बट ये जो लाइन मैंने बनाया इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी देते हैं, क्योंकि हमारा हमारा जाना पहचाना अल्फाबेट है, हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम पी देते हैं।
अब ये आपका 90 डिग्री ऑफ कोर्स फॉर्म करेगा। ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, T1, ये जो है T2। टेंजेंटिंग बोल सकती हूँ क्या मैं इसको? टेंजेंट तो बोल सकते हैं। टेंजेंट मतलब क्या होता है, जो सर्कल के बाहर पे जाए ना, जो सर्कल के बाहर जाके क्रॉस करे। अब ऐसे देखा जाए तो सर्कल के बाहर ही तो है ये लाइन, अब वो दूसरे सर्कल में जा रहा है, तीसरे सर्कल में जा रहा है, उससे क्या मतलब है, ये तो सर्कल के आउटर को ही टच कर रहा है, तो ये दो लाइन टेंजेंट्स हम बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट टच हो रहा है, ये जो लाइन है ये है N2, मतलब इसको N2 बोलो, एंड इसको आप क्या बोल सकते हो, N1। ये आपका क्या है, रेडियस बना रहा है, इसको आप R1 दे दो, इसको दे दो R2, ठीक है। अब ये N1 N2 क्या है, नॉर्मल्स। सेंटर में नॉर्मल लाइन पढ़ा है आपने, नॉर्मल्स क्या होते हैं सर्कल में, नहीं पढ़ा क्या 10th में, दो सर्कल के जो लाइंस होते हैं नॉर्मल लाइंस। अरे आप किसी भी सर्कल में लाइन बना दो तो आप उसको एक नॉर्मल लाइन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बाकी लोग बोलेंगे कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा ऋषभ, तो चलो बोल देंगे, ठीक है ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करते हैं पूरे डायग्राम को कि हमने खिचड़ी क्या पकाई है, तो पहली चीज है कि आपको ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोलना है। ऑर्थोगोनल मतलब ही होता है ऑर्थो, जहां पे आ गया वहां पे दोनों का मिक्स होना, सेंटर से पॉइंट लेना, ठीक है। ऑर्थो सेंटर में भी, ऑर्थोगोनल में भी। 90 डिग्री दिखाने को बोले तो 90 डिग्री कब बनेगा, जब दो लाइंस आपके क्या होंगे, सर्कल्स के दो लाइंस मिल करके एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे एंड कुछ ट्राइंगल जैसा फॉर्म करेंगे, तभी तो वहां से हम 90 डिग्री जैसा बना सकते हैं। कुछ कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हम निकाल ही लेंगे, इतना मैथ्स पढ़ लिया है, बट उसके लिए भी अपने को एक ट्राइंगल फॉर्म होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ से हमने 90 डिग्री बना दिया, Radius 1 Radius 2 ले लिया, ठीक है। अब इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, इससे क्वेश्चन जेई में आते हैं, तो फॉर्मूला देख लो आप। फॉर्मूला क्या होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका C1 C2 द होल का स्क्वायर, ठीक है। बस बहुत कुछ नहीं समझना है इसमें हमको, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन और ये था आपका फॉर्मूला, नॉट क्वेश्चन, कंसेप्ट, एंड ये था फॉर्मूला। चलो अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लगे हाथ एक एग्जाम्पल यहीं पे ले लिया था, ये आपका एग्जाम्पल है। कैसे सॉल्व करेंगे, टू सर्कल्स विद सेंटर एट A 2 3 एंड B दिस एंड हैविंग इक्वल रेडिया आर इंटरेस्टिंग ऑर्थोगोनली, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। इजी है मगर वही है, सेम टू सेम आपको क्या करना पड़ेगा, दो सर्कल्स पहले ले लेते हैं, इस बार खुद ही इसको मिला देते हैं सर्कल्स। दो सर्कल हमने ले लिया, अभी क्या करेंगे बच्चा लोग, सेंटर्स तो सबसे पहले तो भाई सेंटर दे दो इसका, एक सेंटर ये एक सेंटर ये, और इसको डॉटेड लाइन से पहले ही मिला दो, पता है मिलने ही वाला है ये। एक को आप ए दे दो और इसको बी दे दो, देन फिर मुझे क्या पता है, फिर मेरा यहाँ जाके भी मिलेगा, तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना, ये 90 डिग्री बनाऊंगी मैं। इस वाले पॉइंट को क्या देंगे हम, पी दे देंगे, हमेशा पी दिया जाता है। आर आपको निकालना है, मतलब ये आर आप निकालोगे एंड यहाँ से ये वाला आर आप निकालोगे। ए कितना दिया है भाई, 2,3 दिया है, बी दिया है आपका कितना, 5,6, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ए और बी कितना हो जाएगा आपका, R√2 हो जाएगा, ठीक है, रेडियस एंड √2 हो जाएगा, √2 में आ जाएगा ये। और उसके बाद कितना होगा, ए बी के बाद आपका ये हो जाएगा रूट में, कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस। अब देखो हम लोग ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े ना, आप सबको एक साथ ले आओ, आप अगर एक साथ ले आओगे तो 2 3 और 5 6 ए बी कितना मिल जाएगा अपने को,
कुछ तो कुछ बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो, कुछ गलत ही बोलो मगर बोलो, जरूरी है बोलना। नाइन प्लस नाइन नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता 9 प्लस 9? दिखा आप लोगों को 9 कैसे मिलेगा, ए और बी? आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी किया, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी किया, वहां पे भी तो करते थे सॉल्व, तो कुछ तो बैकग्राउंड में चल रहा होगा ना। अच्छा, इसको ऐसे ऐसे करने से 9 मिल जाएगा, इसको ऐसे करने से 9 मिल जाएगा, पाइथागोरस लगाना है क्या? पाइथागोरस लगाने से भी 9 मिल जाएगा? हाँ, पाइथागोरस कब लगाएंगे, जब राइट ट्रायंगल होगा, यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस? कुछ तो बोलिए विद्यार्थियों, कुछ तो बोलिए, जरूरी है बोलना। जी गुरु गुरु की जी, गुरु जी आज्ञा आज भी तो, पार्टी की मूड में है। हाँ, क्या कह रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी क्लास शुरू हुई है, 2, 3, 5, 6, मजाक नहीं कर रही हूँ ऋषभ, सीरियसली बताओ, 9 कैसे आएगा, √9 कैसे आएगा? इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया आपको बताने वाले हैं, पहले से ही करते हुए हम आ रहे हैं चीजों को। तो 2, 3, 5, 6 से 9 कैसे मिल जाएगा अपने को? कुछ कुछ करने से मिल जाएगा, x2 - x1, y2 - y1, या a² + b² कुछ भी नहीं। 3 + 6 हाँ, वो तो बहुत बढ़िया बात है, 3 + 6 तो 9 हो ही जाता है आपका। ये कितना है, x2 + y2, 9 हो जाएगा। x1 y1 को क्या करोगे, 5 + 2 तो सिर्फ 7 होता है। 2 का स्क्वायर प्लस 5। 2 का स्क्वायर + 5, तो उसके हिसाब से तो 5 का स्क्वायर भी होना चाहिए था ना। इसको स्क्वायर करोगे और इसको नहीं करोगे? यस मैम। मैम 5 - 2 होल का स्क्वायर। एंड 6 - 3, यस मैम। वाह क्या दिमाग लगाया इन्होंने। 5 - 2 यानी कि x1 x2 y1 y2, मतलब y1 - x1 द होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना, 6 - 3, मतलब इसका स्क्वायर। अब इसका कितना मतलब हो गया आपका, y2 - x2 द होल का स्क्वायर, ये बना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी कहीं देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं जाना नहीं है, है ना? जाना तो है, अब दिमाग लगा के बताया है इन्होंने। वैसे ही किसने दिया ये आंसर, रेखा रानी। देख नहीं पा रही हूँ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एंड थैंक यू फॉर द प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। चलो 3 √2, चलो बच्चे समझ रहे हैं, इज इक्वल टू आपका है r√2, तो √2 √2 आप उड़ा दो अगर यहाँ से, तो आपको कितना मिल गया भाई, r = 3। अब 9 + 9 होता है 18, 18 को अगर आप करोगे ना एलसीएम ही निकाल लो उसका, तो आपको मालूम चल जाएगा कितना आने वाला है √2 और 18 का। तो 2 √2 √2 खत्म, r = 3 मिला आपको। ये तो जस्ट छोटा सा एक एग्जाम्पल था, अब मेन का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो डायरेक्ट हमने क्या किया, ऑर्थोगोनालिटी का डायग्राम बनाया, ठीक है? डायग्राम बना के देखा, 90 डिग्री दोनों होना चाहिए, एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट इधर, नॉर्मल लाइंस है बीच में, और क्या रेडियस है, सेंटर है।
इतनी चीजें अपने को पता है, फॉर्मूला भी पता चल गया। कौन सा फॉर्मूला? आर वन प्लस आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन सी टू स्क्वायर, इसको भी याद रखो। अब मेन सा क्वेश्चन लगाते वक्त फिर थोड़ा सा और ध्यान देना है हमें। क्या है क्वेश्चन? देखो मैंने जानबूझ के थोड़ा व्हाइट में ही रखा है ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा ना, अभी तो एक एग्जाम्पल ही किया है आपने। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, सॉल्यूशन। इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट वेयर द टू सर्कल्स विद रेडियाई 5 एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट इज 90 डिग्री। अब देखो जो डायग्राम बनाते थे उसका हमको क्या दे दिया है, सर्कल का रेडियाई दे दिया है। देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज, अब उनके कॉमन कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है ये। कॉमन कॉर्ड का लेंथ। अब देखो डायग्राम कैसे बनाओगे? डायग्राम तो कहीं ना दिया है, वो आपको बनाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। तो चलो मैं पहले दो सर्कल बना लेती हूँ ना, C1, C2। ठीक छोटा बड़ा रहेगा यहाँ पे। इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट वेयर टू सर्कल्स आर जिसका रेडियस 5 है, अब आप समझ गए रेडियस 5 वाले किसको रखना है, छोटे वाले को। C1 ये रेडियस 5 रहेगा और ये जाहिर सी बात है मेरा कितना रहेगा, रेडियस 12।12। इसको तो मैंने मिलाना ही है कंफर्म, इस आधा फिगर तो मेरा यही तैयार हो गया। इसको C1 रख दो आप, इसको रख दो C2, ठीक है। ये वाली लाइंस जो है ना, ये वाली लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है इंटरसेक्ट इज 90 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब वही ना सर्कल का, भी ये जो मैंने लाइन बनाया ये क्या हो गया, कॉमन कॉर्ड हो गया दोनों के बीच का, ठीक है। कॉर्ड ऐसे ही बनाते आप साइड में कहीं पे बना देते, तो मैंने कॉमनली बना दिया उनका कॉर्ड। नाउ कॉर्ड है तो मतलब ये भी यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां तक कॉर्ड है आपका, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्यू दे दो, भले इसका कोई काम हो मत हो, बट पॉइंट का नाम तो देना पड़ेगा आपको। इधर में आप पी दे दो एज यूजुअल, जैसे हमेशा देते आए हो, ये पी हो ही गया, ये क्यू हो ही गया, ठीक है। करना क्या है अभी अपने को, देखो पहले तो मैं ट्रायंगल ही बाहर ले लूँ ना, जब दो रेडियस दिया है और मुझे पता है ट्रायंगल का दो साइड्स है, कुछ तो मेरे काम का दिया हुआ है वहां पे। अब ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, तो जब आप ट्रायंगल को बाहर निकाल रहे हो, ये आपका 5 है, ये है 12, 30। हाँ ये है P, ये है C1, ये है C2। 12 5 तो 13 आएगा, तो 9th क्लास से करते आ रहे हैं हम। ये हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है, ये थीटा का अपोजिट एंगल, हाइपोटेनियस। अब देखो एक राइट ट्रायंगल ले लो, राइट ट्रायंगल कौन सा लोगे ये देख लो, इधर इधर आप पी ले लो, इधर C1 ले लो, ठीक है। ये वाला राइट ट्रायंगल अगर आप ले रहे हो, तो इसका भी थीटा अगेन थीटा है और ये है आपका 5। हाँ बट अपने को ये साइड तो पता ही नहीं है, कॉर्ड जिसको हमने लिया है, अब उसको भी नाम देना पड़ेगा। क्या नाम दोगे? अब इधर बवाल हो गया लेकर के ट्रायंगल, तो इधर भी बवाल करना पड़ेगा। देखो इसको एरो दे करके मैं एम नाम दे देती हूँ यहाँ पे तो हम इसको पीएम भी एम दे देंगे, एंड इसको एक्स दे देते हैं, क्योंकि कुछ तो उसका आता पता है नहीं, वो तो बेघर है ना, उसका घर है ना कुछ है, ठीक है। दो ट्रायंगल को निकाल लिया, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं करना क्या है, क्योंकि बात तो यही है कि भाई ये सॉल्व कैसे होगा। लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड पूछ रहा है, कॉर्ड का लेंथ निकालना है आपको, कैसे सॉल्व करेंगे? एरिया एरिया नहीं निकालोगे? है एरिया कौन निकालता है? ट्रिग्नोमेट्री आएगा यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसको मैंने क्यों इतना एरो एरो बनाया था, आपको बताया था ना ये हाइपो है, ये क्या है? अगर ये हाइपो है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ना। यस मैम। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा डेफिनेटली, कॉस तो आएगा नहीं अभी। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन एच
ये साइन थीटा होगा जो मैं बता रही हूँ कि ये साइन थीटा होगा। अब बताओ, फंस जाओगे अब आप लोग। मैं जो भी बोलूँ उस पर ध्यान नहीं देना, उल्टा मेरे से बोलना है कि नहीं ये नहीं होगा। आप लोग तो उसी में हाँ मिलाए जा रहे हो, अजीब ही हो। ध्यान दो ना, कैसे यहाँ पे साइन आ जाएगा भाई, जब तीनों गिवन है तो कॉस क्यों नहीं आ सकता, साइन ही क्यों आएगा। ट्रिग्नोमेट्री देखो, सेकंड की बात अगर मैं करूं, इसको सेकंड ले लो, इसको फर्स्ट ले लो। सेकंड में आप बोल सकते हो कि हाँ मैम साइन थीटा हम लोग ले सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है ना, तो पी कितना है, एक्स है। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा ले लू तो आपका एक्स अपॉन फाइव, फिर भी बोल सकते हैं, लाजमी है बोलना। अब मेरा दूसरा सवाल है, क्या हम लोग वन पे भी साइन थीटा ले सकते हैं, या फिर ले ही नहीं सकते, वो आ ही नहीं सकता। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, बताओ अभी आप। इसका पी मैंने पहले बोल दिया, ये एच है आपका, ये एच है, और पी कौन सा हो जाएगा अगर ये एच है तो। थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है, गोली मारो इसको, ये एच है मैंने बोला, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, बट अभी उसको आप परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मत मानो। थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है, पक्का श्योर हो इस चीज के लिए। यस, ओके, अगर ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेन्यूज। अच्छा हाइपोटेन्यूज, क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया था इसलिए। आप लोगों ने नो मैम, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या सीखा है, ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान दो यहाँ पे, ये है मेरा थीटा। अब थीटा का अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे आप, अगर मुझे बी है, अगर मुझे साइन बी निकालना है तो साइन बी मेरा कितना होता है, पी अपॉन एच, तो साइन थीटा है इधर, ठीक है। थीटा में कुछ भी होगा वैल्यू, उसको छोड़ो, तो मैं उसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही लूंगी ना, तो इसका अपोजिट साइड जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर के सामने वाला। सामने वाला, मतलब ये होगा कि ये होगा, ये सामने वाला जो पहले वाला है। होगा हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड, आपके बोलने के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ मैं, चलो ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये होगा, एंगल पे मैटर करता है कि आपका पी अपॉन एच कहाँ बदल रहा है। वैसे तो परपेंडिकुलर हमारा ये होता है बेस नीचे का हिस्सा, एंड ये जो लंबा सा होता है हाइपोटेन्यूस, वो तो आप पता नहीं कौन से क्लास से पढ़ते हैं, 8 7 से स्टार्ट कर लिया था पढ़ना मैं वो तो। लंबा सो हाइपोटेन्यूज था अपने परपेंडिकुलर के लिए खाई। वो ठीक है, वो ठीक है, हाइपोटेन्यूस होता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे अगर साइन बी निकालना है इन टर्म्स ऑफ बी, तो बी का परपेंडिकुलर कौन सा होगा थीटा का, मैं तो पूछ रही हूँ ना। परपेंडिकुलर वो उसके सामने वाला। होगा हाँ जी, तो वही तो मैंने लिखा, तो फिर क्यों कह रहे हो कि हाइपोटेन्यूस होता है, होता है मैं इन मुझे लगा कि जनरल, इन जनरल। यहाँ पे मुझे एफ और बी पर्टिकुलरली चाहिए तो नहीं होगा। मैं एक्स अपॉन फाइव मैंने लिखा, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो ये होगा मेरा 12/13, क्योंकि देखो थीटा को एरो दिखाया मैंने, 12/13 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखो, जेई लेवल का है तो कंसेप्ट क्लियर रखो कि कौन से अपोजिट साइड को क्या बोला जाता है। मैंने बोला हाइपोटेन्यूस, हाँ, हाइपोटेन्यूस, क्यों भाई साइन को हाइपोटेन्यूस, इसको राइट ट्रायंगल ले लोगे तो ये तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस हो गया आपका। इसको ऐसे अगर देखोगे राइट ट्रायंगल, इसको जो बनाया गया है सी, ऐसे बनाया गया है ना, ऐसे बनाया गया है, तो ये आपका 13 है, ये 12 है, और ये 5 है। ऐसे भी तो देख सकते हो, ऐसे अगर देखोगे तो ये 12/13 नहीं हो गया आपका, 12/13 हुआ कि नहीं। यस मैम, हाँ थोड़ा टिल्ट करके देखोगे तो हो जाएगा। चलो मैं अब इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं रुकूंगी, मेरा यहाँ पे रुकने का एक ही मकसद था कि सारे लोग समझ जाएं। चलो आई होप सारे लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। चलो यस मैम। नाउ
साइन थीटा तो हमने निकाल दिया बड़ी मशक्कत से, अब क्या निकाले भाई बच्चों? अब कॉमन कॉर्ड, तो कॉर्ड से मतलब है, अब देखो कॉर्ड मैंने क्या बना दिया था, मैंने कॉर्ड बनाया था पी क्यू विच इज इक्वल टू समथिंग, तो आएगा क्या आएगा? 120 अपॉन 13। अरे वो तो मुझे भी पता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा आपका, तो एक्स ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 60/13, ठीक है ये हो जाएगा 60/13 मेरा एक्स, लेकिन मुझे पी क्यू नहीं पता, बट मुझे एक्स पता है, एक्स क्या है, एक्स मेरा यही वाला रीजन है ना, एक्स जिसको मैंने लिया है यहाँ पे, तो जब एक्स 60 है तो उसका यस, डबल ही हो जाएगा, तब क्या होगा, डबल मतलब 120/13, समझे? आधा आधा है ना, एक लाइन को आधा मैम। कर दिया, अब 160 तो दूसरा भी 60, चलो खत्म, 120/13, ये आपका जेई का क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही आपने यहाँ पे आंसर निकाल दिया, बट समझ के निकाला। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पाते कि हमें साइन थीटा लेना है, अगर आप सोचते कि अरे मैं टैन लूंगा मेरी मर्जी, मैं कॉस लूंगा, तो फिर तो हो जाता कल्याण, सो इजी। वेरी इजी। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में देखा। रेड कलर, वाओ। हाँ नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाँ हाँ नाउ द क्वेश्चन सेकेंड खत्म। क्वेश्चन इज अगेन जेई का है, तो ये भी आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर टू, आज हम दो ही क्वेश्चन कर पाए हैं अभी तक। अरे इसको क्या हो रहा है, इसको भी चलो पढ़ के करते हैं। टू सर्कल्स विथ इक्वल रेडियाई आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट्स, दो सर्कल है दोनों के इक्वल रेडियस है, अगेन वही वही कहानी हो गई हमारी पहले वाली, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 010-1, द टेंजेंट एट द पॉइंट 012-1 ऑफ द सर्कल्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दिस सर्कल। वाह वाह, यहाँ पे मामला थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा ध्यान से अपने को सॉल्व करना है, ठीक है? दो सर्कल्स मैं निकाल लेती हूँ, आप लोग की मर्जी, अगर आप लोग चाहो तो अपने नोटबुक में डायग्राम वायग्राम बना के ट्राई कर लो एक बार, मुझे भी बता दो कैसा डायग्राम बनेगा। सो ये आपका डायग्राम बन जाएगा ऐसा, उसके बाद क्या करेंगे भाई? C1 C2। वो भी ठीक है, C1 C2 तक भी चल जाएगा, इसको मिला लूं मैं पहले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी आपका दिया हुआ है, ये तो आपका कंफर्म ट्रायंगल बनेगा, ठीक है? एंड देन ये बीच से आपका लाइन यहाँ पे जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये है आपका C1, ये है आपका C2, ये R एंड दिस इज ऑल्सो R, P, ये आपका राइट ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा, P क्या है 0,1 एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q क्या है आपका जो है 0,-1, एक 0,1 है और एक क्या है बच्चों 0,-1, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस सर्कल्स इज, अब ये इन सर्कल्स का क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस यस, तो यहाँ पे एक एंगल आपका बनता है, ठीक है? सो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू, पी क्यू आपको 2 मिल जाएगा, एंड पी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एम कहाँ से आ गया, एम ये वाला है, ठीक है यहाँ पे एम मैं लिख देती हूँ, वन ये 1 हो जाएगा आपका, फिर से मैं ट्रायंगल को बाहर निकालती हूँ ना, राइट ट्रायंगल को, ट्रायंगल बाहर निकालने से क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाती है, ये राइट ट्रायंगल आपका छोटू सा बहुत ही अच्छा सा बाहर आ गया, ये है एम और ये कितना है पी, ये है 1, ये है आर, ये आपको नहीं लगता 45 डिग्री है, मुझे तो लगता है 45 डिग्री है, 30 डिग्री तो है नहीं, वो 45 डिग्री ही होगा ना, ये अगर 45 डिग्री है, आर इज इक्वल टू कंफर्म है, 2 आर है आपका √2, ठीक है आर √2 हो जाएगा, और C1 into C2 is equal to
आर रूट टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वन रूट टू, सी टू रूट टू, रूट टू आपका ये कितना बनेगा, टू बन जाएगा। ये एंगल जो आपका 45 डिग्री है, यहां पे मैं इसे एरो करके दिखा दूं क्या, यस मैम, 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी अगेन आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं, बस आपने देखा समझा एंड ओरली उसको सॉल्व कर दिया। बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज, इसका डिस्टेंस कौन सा है, पीक्यू ही तो डिस्टेंस है, पीक्यू आपको पहले ही 2 मिल गया था, तो एनीवेज वो आपको 2 ही मिलना था आंसर। ओके बच्चों, यस मैम, सो इजी। सारे लोग समझ रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं क्लास को, फिर बाद में मत बोलना कि मैम समझे नहीं, आप जो पढ़ाई समझ नहीं आता ऐसा कुछ मत बोलना, इसलिए मुझे अभी बता दो। क्लास में तो सब कुछ चलता है, क्लास के बाहर फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मैं नहीं बोलता। नहीं, मतलब समझ जाओ तो ना बोलो, ना समझो तो बोलना ही है आपको, इसलिए बोलती हूँ यहीं पे बोलो, नहीं समझ आया, नहीं बोलते हो तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। चलो, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी ठीक है, क्या कंडीशन होती है इसकी, आप देखो अभी तक तो एक्स वाई था, यही इक्वेशन है, टेंजेंट जो पढ़ा था आपने जी और एफ वाला, सेम टू सेम इक्वेशन है, यहाँ पे भी कुछ करना नहीं है आपको। दो इक्वेशन है आपके पास ऑर्थोगोनल के लिए, दिस सर्कल विल बी ऑर्थोगोनल इफ 2g1g2 + f1f2 इज इक्वल टू c1 + c2, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम बनाएंगे मगर कंडीशन लाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, जरूरत तो नहीं है इतना ब्रीफली जाने की, बट एक बार देख लेते हैं, डेरिवेशन टाइप का ही है ये। हमारा आर वन कितना है, आपको आर का फॉर्मूला पता है, g² + f² - c, ये c1 हो जाएगा, ये g1² और ये हो जाएगा f1². आर टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर आपका g² + f² - c2, ठीक है, ये r1 और ये r2 हो गया, दोनों हमें पता है। नाउ c1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -g1, f1, एंड c2 कितना हो जाएगा, -g2, f2, ये भी माइनस में चला जाएगा, सब माइनस में चले गए। नाउ नेक्स्ट इज c1 c2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r1² + r2², ये आपको पता है, तो g2 - g1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 कितना था भाई मेरा, g2 - g1 के बाद और क्या आएगा, प्लस f2 - f1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू g1² + f1² - c1 + g2² + f2² - c2, ठीक है। सो g2² + g1² - 2g1g2 + f2² + f1² - 2f1f2 विच इज इक्वल टू योर g1² + f1² - c1 + इधर क्या आ जाएगा, g2² + f2² - c2, सही है ना, हमने सही सही लिखा है तो सारा चेक कर लो एक बार आप लोग, f2² चलो ठीक है, ये सब सही है। तो फिर अब काटा कुटी करना है, मतलब कि कौन सा कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको बचा देंगे। आपका ये दोनों तो फॉर श्योर कटेगा ही कटेगा ना, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी, तो बचा क्या, 2g1g2 इधर बच गया, इज इक्वल टू, नहीं, प्लस में आ जाएगा ना, -(-) + 2f1f2 इज इक्वल टू c1 + c2, ये आपको दिखाना था कि कैसे आता है, आप नहीं भी देखते तो भी चल जाता, बट चलो ठीक है। ओके बच्चों,
इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? यस मैम, चलो ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। मैम हाँ नेक्स्ट में चलते हैं। एंड आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, कैसे करोगे? सेम जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में नहीं देखा था उसी तरीके का है ये। तो मैं अपना S1 ले लेती हूँ, X2 प्लस Y2 प्लस 2X प्लस 2KY प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वाला ले लो आप, S2 इज इक्वल टू X2 प्लस Y2 प्लस 2KY प्लस K इज इक्वल टू 0, दोनों ले लिया आपने। नाउ देखो मैं कॉलम बना रही हूँ जी एफ सी। जी और एफ तो पता ही है, सी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस कॉलम का करना क्या है मैं बताती हूँ आपको। जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना हमारा, एक्स के साथ जो है उसको आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको भी अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? के आ जाएगा। कॉन्स्टेंट को किसी से डिवाइड नहीं करना, वो ऐसे ही रख दो आप, वो आ जाएगा 6। नाउ व्हेन दिस इज 1, फिर आप 1 को अगर रखते हो तो कितना हो जाएगा? अब देखो फॉर्मूला लगाओ, 2g1g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका। तो 2g1 तो 1 है, अब g2 कैसे निकलेगा? g1g2, देन अगेन 1 को करोगे तो कितना हो जाएगा ये? जीरो, ठीक है। के को करोगे तो कितना हो जाएगा? अगेन के जीरो ही रहेगा, जीरो ये तो के ही रहेगा। सिक्स, जहां तक सिक्स की बात है तो ये कितना हो गया? के। सेकेंड वाले इक्वेशन को देख करके करना था ना, इससे तो मैं यहाँ पे रुक गई थी बोलकर। आप बोल सकते थे कि अरे वहां तो एक्स का है ही नहीं कुछ, तो वहां तो जीरो ही है। वाई की बात आई तो अपॉन टू मतलब के, थर्ड में सिक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे के कांस्टेंट है तो के आ गया g1 g2, ठीक है। तो g2 कितना है मेरा? 0 प्लस 2। अब f1 f2 मतलब ये डायरेक्ट के का स्क्वायर लिख दो ना, चल जाएगा। c1 प्लस c2 6 प्लस के। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, 2k² माइनस के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये होगा 2k² माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन 2k k माइनस 2 प्लस 3 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2k प्लस 3 एंड k माइनस 2, है ना। 2k प्लस 3 एंड k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह निकाल दो, k इज इक्वल टू 2, -3/2। ये आपको k की वैल्यू मिल गई, इन्होंने k की ही वैल्यू पूछी थी। क्या सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए? यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके चलो, अगर समझ पाए तो वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये आपने जो सेकंड कंडीशन पढ़ा उसका है क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हैज इट सेंटर ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। इफ द सर्कल कट्स द सर्कल, इफ द सर्कल कट्स द सर्कल, एक सर्कल दूसरे सर्कल को कट कर रहा है, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑर्थोगोनली देन इट्स इक्वेशन इज। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन नहीं आसान, बट आसान बनाना पड़ेगा। एक सर्कल दूसरे को कट करेगा तो कैसे करेगा भाई? इसको बड़ा कर देते हैं ना, एंड इसने कट करके निकाल ही देगा, या तो इसको छोटा ही रखते हैं। जब कट कर ही देगा तो क्या मतलब बनता है? तो ये हो गया आपका
यहाँ से आपका एक लाइन जाएगा सर्कल के एग्जैक्टली बीचों बीच से. ठीक है, लाइन भी आ गया अपने पास. अब लाइन को नाम दे दो आप. जैसे कि हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा 0,0, क्योंकि कुछ तो दिया ही नहीं है तो हम देंगे क्या अपनी मर्जी से. ये तो चलो मेरा सेंटर है, सेंटर को तो मैं चलो मेहरबानी कर देती हूँ, अल्फा कॉमा अल्फा दे देती हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि मेरे पास नहीं है ना पॉइंट्स, तो कुछ तो देना पड़ेगा. मैंने बोला था जहाँ पे पॉइंट नहीं होता है वहां 0,0 दे देने का. फिर इस सेंटर को सी अल्फा अल्फा दे देते हैं. एक और पॉइंट देना पड़ेगा, तो देखो ये हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये ऑर्थोगोनली है और दूसरा ये सर्कल इसी से कट के आया है, तो इस लाइन से कट करके यहाँ पर आ गया है ये. सो आप जब इसका रेडियस लिखोगे तो रेडियस कितना लिखोगे? अल्फा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा आपको रेडियस, विच इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. सो अल्फा रूट टू. ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा. नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही हमें निकालना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एक्स माइनस अल्फा द होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा रूट टू द होल का स्क्वायर. ओके बच्चों, फॉर्मूला लगा देंगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, आई होप समझ रहे हो सारे लोग. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, -2 अल्फा एक्स -2 अल्फा वाई इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा. देन वी ऑल्सो हैव, अभी आपको एक टेबल बताया था ना छोटा सा, जी एफ और सी का. तो जी एफ और सी से क्या निकालोगे? एक और इक्वेशन हमें हमारे पास है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y +10 इज इक्वल टू 0. तो पहला तो मेरा हो जाएगा माइनस अल्फा, ये भी हो जाएगा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा -2 -3 10. आई होप आप लोग समझ गए कहाँ से आया है, नहीं समझे तो पूछ लेना. इक्वेशन क्या बनेगा आपका? 2g1g2 + 2f1f2 इज इक्वल टू c1 + c2. ठीक है, तो 2 × 2 अल्फा ये हो गया प्लस 2 × 3 अल्फा ये हो गया, विच इज इक्वल टू 0 + c2 कितना है 10 है हमारे पास. तो 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 6 + 4 कितना होता है विद्यार्थियों? 10 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा कितना मिल गया 1. देखो मेरे हिसाब से तो ये टॉपिक और ये क्वेश्चन सारे बहुत इजी हैं, आपके हिसाब से क्या है वो भी बता सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ तो बोल ही ना रहे. क्वेश्चन नंबर 3rd में चलते हैं. अल्फा में निकाल दिया आपने, अरे अरे ये कैसे लिखा रहा है. बिल्कुल हाँ क्या कह रहे हो? कोई तो कुछ बोला वो भी नींद भरी आवाज में. ठीक है छोड़ो, अब ये वाला इसका मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी. ठीक है, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा इसका डायग्राम बनाने का, या फिर बना दूं आप लोग बोलोगे तो. इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट a, b एंड कट्स द सर्कल x² + y² = k² ऑर्थोगोनली. ठीक है चलो, वही घिसा पिटा सा सेंटेंस है. देन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ इट सेंटर इज. इधर आ गया हमारे पास, क्या आ गया बच्चों? लोकस टपक पड़ा. जब लोकस आता है तो कुछ तो तूफानी करता ही करता है. अब आप लोग तो वैसे भी धमकी देकर बैठे हो कि कुछ भी हो जाए एक ही मेथड बताना है आपको, दूसरा मेथड अगर बताया तो हम क्लास लीव कर जाएंगे, तो बेटर है मैं एक ही मेथड बताऊं. दो बता दो मैम आज। हाँ आज तो आपको 2 चाहिए ही चाहिए, रोज तो नहीं चाहिए मगर आज आपको 2 जरूर चाहिए. मैं दो मेथड बताना आज।
चुप रहो, इसमें दूसरा मेथड नहीं पता मुझे क्या होता है। एक ही मेथड बहुत मुश्किल से मैंने सॉल्व करके निकाला है आपके लिए, नहीं तो इतनी इजीली सॉल्व भी नहीं होगा इसको। बहुत टाइम दिक्कत है, नहीं होगा ना आपके पास। टाइम है बच्चे, लेकिन इस पे एक ही मेथड काफी है। देखो सी है एंड एक और पॉइंट मैं ले लूं, क्या पी ले लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो पी ही लिया जाता है, छोड़ो। ए बी एंड कट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के इफ द सर्कल, इसीलिए दो सर्कल नहीं बनाए इधर में, एक ही सर्कल बनाया। अब सी को पॉइंट ले लेती हूँ मैं, अल्फा कॉमा बीटा, मेरे पास नहीं है सी का पॉइंट, बट पी का है। क्या है? ए कॉमा बी, ठीक है, ये दोनों है मेरे पास, एक ही लाइन में हम चाहे तो इसको सॉल्व कर देंगे, बस हो जाएगा एक ही लाइन में। देखो कैसे, जी एफ और सी बना लेते हैं इधर, ठीक है। जी कितना रहेगा मेरा पहले, कितना कितना, अल्फा बीटा के हिसाब से अगर लोगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर मतलब 2a अल्फा प्लस 2b बीटा माइनस a² माइनस b² ठीक है। पूरा फॉर्मूला ही लिख दिया हमने सी की जगह पे, क्योंकि पता ही ना है कि सी है क्या, तो पूरा का पूरा लिख दो आप। दूसरी चीज जगह पे क्या लिखोगे, g2 पे 0 0, एक ही है मेरे पास, g2 तो है नहीं, एंड माइनस k का स्क्वायर, ठीक, ये इसको ले लो। ए बी से आपने पहला इक्वेशन बनाया था तो वहां से आपने जी1 निकाल लिया, दूसरा इक्वेशन आपको गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, वहां से आपने क्या किया, माइनस के स्क्वायर आपका सी निकाल लिया वहां से। नाउ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2a अल्फा प्लस 2b बीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, ठीक है बच्चा लो। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट सी, C1 C2 साथ में आ गए ना। नाउ द नेक्स्ट इज, अब फॉर्मूले में रख के इसको अप्लाई कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एक्स माइनस अल्फा द होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए द होल का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी द होल का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई एंड प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना होगा भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b बीटा प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा मेरा, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, अल्फा स्क्वायर तो कट रहा है इधर, इधर भी अल्फा, इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है, और कुछ नहीं कट रहा ना, इसको रीअरेंज करोगे तो आपका आंसर तो आ ही गया, 2ax प्लस 2by माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, नहीं आया क्या? अल्फा बीटा को ए बी से रिप्लेस करोगे तो आ तो गया पूरा पूरा अरेंज करके। अरे यहाँ पे अरेंज कैसे करोगे आप, देखो मैं रिप्लेस करूं अगर तो 2a अल्फा x मतलब 2ax माइनस इनटू माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस इनटू माइनस आपका हो जाएगा प्लस 2by, ठीक है, माइनस में आपका ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से कुछ आया, k है अपने पास, नहीं है, ओके, तो कांस्टेंट भी आपको लेना है प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये रीअरेंज करके आएगा। जैसे कि विषव ने बोला मेरे से कि मैम इसका दूसरा मेथड भी बता दो, मेरे पास है दूसरा मेथड, मैं तो झूठ बोल रही थी कि नहीं है, बताओ तो बताऊंगी। इसलिए तो मैंने बता दो दो। दो मेथड्स का नाम लिया था। चलो एक और है तरीका इसको सॉल्व करने का, देख लो आप सब, क्या पता वो ये आपको, मेथड चाहिए, तरीका नहीं।
हाँ मतलब वही मेथड। चलो वैसे भी सुजल डांटते हैं ना, सुजल नहीं है क्लास में आज, फायदा उठाते हैं इसका। चलो पहले क्या करना है आपको, मैं ही बोल गई, क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। ठीक है, क्या इक्वेशन, इक्वेशन भी ना है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास हो नहीं हो, आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये जनरल है ना, तो लिख दोगे आराम से। नाउ ए और बी को अगर आप लेते हो पॉइंट्स ए बी, तो कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग एक डब्बे में डाल देते हैं। ठीक है, डब्बा भी इसका बहुत लंबा है। दिस इज योर नाउ वन, इक्वेशन वन, इसको ध्यान से देख लो, देख लिया ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। यस मैम, हाँ रुक जा, स्लाइड खत्म क्लास का। नहीं, स्लाइड है, रुको, स्लाइड, अरे अरे, जब स्लाइड की जरूरत पड़े तो स्लाइड ही ना मिले। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ले लो ना, वो इक्वल टू में था, इधर लाके आप इसको माइनस कर दो। फिर टेबल बनाओ, किसका किसका, जी का, एफ का, सी का, इस सबका आपने टेबल अगर बना लिया तो फिर तो सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। जी एफ एंड सी, ठीक है। नाउ जी वन आपको कितना मिलेगा, जी मिलेगा, एफ मिलेगा कांस्टेंट, सी टू कितना मिलेगा, 0 0 माइनस के स्क्वायर, टू तो मैंने यहीं से ले लिया। अब क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, यही है फॉर्मूला। 0 प्लस 0 ये आपका कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू c माइनस के स्क्वायर, c इज इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2। ओके okay? ठीक है बच्चों, जस्ट 1 मिनट बच्चों, जस्ट 1 मिनट, आई विल बी बैक, 1 मिनट। यस मैम। थैंक यू सो मच, 1 मिनट भी नहीं लगे मुझे, कुछ सेकंड्स में मैं वापस आ गई। एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया। ठीक है, सी इज इक्वल टू के स्क्वायर। उसके बाद नाउ योर सेंटर, सो सेंटर इज इक्वल टू कितना दोगे आप, अल्फा कॉमा बीटा, ये तो हमने लिया था, अल्फा कॉमा बीटा आपके पास हो गया है, विच इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, ये हो गया, एल्फा इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा बीटा इज इक्वल टू आपका माइनस एफ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। 1 है 2 है और 3 है हमारे पास। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में तो 2 एंड 3 को हम यूज करेंगे। जस्ट वन मोर स्लाइड। ओके, इक्वेशन वन क्या था वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट इज, आप जब उसमें यूज करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस है ना, सो माइनस 2a अल्फा माइनस 2b बीटा प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ रिप्लेस अल्फा कॉमा बीटा विथ एक्स कॉमा वाई, तो ये हो गया 2ax प्लस 2by माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा।
ठीक है, बात वही हुई है। ओके बच्चों, यस मैम। तो दो मेथड बताते बताते मेरा रेडिकल एक्सिस रह ही गया। एक टॉपिक छोटा सा था आपको पढ़ाना था, रेडिकल एक्सिस, वो रह गया, वो कल कर लेंगे हम लोग। कोई यस इशू नहीं है, मैम। आज टाइम की बहुत किल्लत है अपने को, तो टाइम ज्यादा नहीं ले सकते। और आप लोग को बता दूं अभी रिकॉर्डिंग को खत्म करते हैं पहले।